आज हम आपको ओम्स लॉ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास अगर ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और ये बैटरी जो है इसका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है वी, देन ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस वी ऑन द कंडक्टर, देन करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर इज आई, देन वी कैन से दैट इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन करंट ऑल्सो चेंजेस। इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस देन द वैल्यू ऑफ करंट ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, वैसे वैसे हमारे करंट में भी क्या था, चेंजेस आता है। तो इस इन ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इफ फिजिकल कंडीशंस एस टेम्परेचर, एस टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ये वोल्टेज जो है वो अक्रॉस द कंडक्टर कंडक्टर के दोनों सिरों पर अप्लाई किया जाता है। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, टू अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर्स। तो मैंने स्टेटमेंट को छोटा लिखने के लिए मैंने इतने ही रहने दिया है, चाहे तो हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि यहां पर करंट जो है, करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड वोल्टेज। तो हम यहां पर ले सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, व्हेन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस देन वी कैन से दैट वी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, तो यहां पर हमारा एक कॉन्स्टेंट आ जाता है आर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई आर। तो यहां पर आर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी हमारी कहलाती है रेजिस्टेंस। इसको मैं बाद में डिफाइन करूंगा, अभी केवल मैं बता देता हूं ये कॉन्स्टेंट है कि जब V और I दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी करंट जो है वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर एक हमारा कॉन्स्टेंट आया था R, ये कॉन्स्टेंट हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो यहां से इस इक्वेशन से हम देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इक्व टू वी अपॉन आर। तो यहां से हम दो चीजें और देख सकते हैं कि करंट हमारा जो है वो, एक तो हमारा स्टेटमेंट यही है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड, हमने यहां पर एक चीज और देखी कि करंट हमारा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। रेजिस्टेंस, अब यहां पर हम रेजिस्टेंस जो टॉपिक आ गया उसको डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। रेजिस्टेंस क्या है, जैसे यहां पर मैंने बताया था कि करंट हमने कंडक्टर को एक बैटरी के, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी था, इसके हमने सिरे पर अप्लाई किया था, तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगा था। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, यहां पर ये वायर है हमारे पास कोई, इसके अंदर, इसके वायर के अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपने एटम्स होते हैं, अपने आयन्स होते हैं इसके अंदर। ओके, तो जब इसके अंदर करंट फ्लो होता है, करंट में क्या होता है,
उस जिसके हमने बैटरी के हमने पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने अप्लाई किया है, जिस बैटरी पर हमने इसको अप्लाई किया है उस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आते हैं जो कि इस कंडक्टर में पास होते हैं, इस कंडक्टर के थ्रू पास होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स इसमें पास होते हुए जाते हैं, इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे पास होते हैं, तो इसके अंदर जो ऑलरेडी इस कंडक्टर के अंदर जो ऑलरेडी एटम्स हैं, पहले से जो एटम्स प्रेजेंट हैं, जो आयन्स प्रेजेंट हैं, उनसे वो कॉलिजन करते हैं, यानी कि वो एटम्स वो इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स का जो इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के टर्मिनल से निकल कर आ रहे हैं उनका अपोज करते हैं। तो ये अपोज जो है, अपोजिशन फोर्स जो लग रहा है, यही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हम यहां लिख सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो हम ओम्स लॉ में अभी जो हमारा रह गया डेरिवेशन वो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब ओम्स लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली देखें तो एक्सपेरिमेंटली ओम्स लॉ को हम इस तरह से देखते हैं कि V इक्वल टू आई आर था, ठीक है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमने निकालना है R इक्वल टू V अपॉन I, ओके। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो PD है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो हमारा करंट है, करंट दोनों का रेशियो हमारा क्या रहता है, एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और ग्राफिकली हम इसको अगर देखते हैं यहां पर, तो इस एक्स एक्सिस के अलोंग हम करंट को शो करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग हम पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेंगे। इस ओरिजिन से हम एक, जब हम इसका एक रेशियो निकालेंगे वी और आई का एक्सपेरिमेंटली, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट तो आपको करा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटली ये जो लाइन आती है हमारी, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं लैब में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है और यहाँ से कभी कभी हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो दोनों लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल हमारा यहाँ पर जो ओरिजिन से लाइन को जो एंगल हो रहा है, ये हमारा थीटा एंगल होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं कि टेन थीटा हम यहाँ से लगाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू ये हमारा करंट की वैल्यू है, ये हमारा एक्स की बी पोटेंशियल डिफरेंस बी की वैल्यू है। इस पॉइंट को हम ए बी और सी मान लें अगर, तो टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी। टेन थीटा इक्वल टू हमारा बी सी, हमारा जो वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ आ रहा है ये है हमारा बी, इसकी वैल्यू हमारी बी है और ए बी की वैल्यू है हमारी आई। तो टेन थीटा और वी अपन आई इक्वल टू हमारा कितना आता है इस वाली क्वेश्चन से, वी अपन आई हमारा है आर। तो यहां पर हम टेन थीटा इक्वल टू दे सकते हैं आर। तो ग्राफिकली हमारा आर इक्वल टू टेन थीटा ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू की, यानी ग्राफ में अगर हम टेन थीटा फाइंड कर लें तो जो टेन थीटा निकल कर आएगा वो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करेगा। सेकंड टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है यहां पर लेंथ। लेंथ किसकी, क्योंकि रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, तो ये लेंथ है कंडक्टर की, यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर या वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस हमारा
किसी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। अगर हम दो वायर ले लेते हैं, एक शॉर्ट वायर और एक लॉन्ग वायर, दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो जैसे मैंने यहां पर बताया, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इस वायर की लेंथ एल है और इसकी एल डैश है, तो कौन सी लेंथ ज्यादा है? एल डैश इज ग्रेटर देन एल। तो इन दोनों में से रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा? जिसकी लेंथ ज्यादा है। ओके, तो यानी कि एक लॉन्ग वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ए शॉर्ट वायर। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी होती है क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग हम देखते हैं यहां पर कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब, अगर मैं यहां पर, पहले तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, अगर ये एक वायर है तो इसकी जो मोटाई है, इसको हम अगर साइड से देखेंगे कट करने के बाद, इसको हम अगर वर्टिकली देखते हैं, इसको खड़ा करके, तो इसकी जो विड्थ आ रही है, इसकी जो हम कह सकते हैं इसकी जो मोटाई है, वो इसका क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया को डिनोट कर रहा है। तो एक वायर हमने ले लिया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इसकी कंपेरिजन हमने एक दूसरा वायर ले लिया है जो कि थिन वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश है। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक वायर हमारे पास ए है जो कि थिक है और दूसरा थिन है। थिक वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और थिन वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो यहां पर हम देखते हैं, हम जानते हैं रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जबकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मतलब एक थिन वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ए थिक वायर। इसीलिए हम अपने घरों में जो केबल होते हैं, बिजली के पिलर से लेकर अपने घर तक, वो ज्यादा डिस्टेंस के होते हैं, 400-500 मीटर तक के, तो हम वो इसीलिए मोटे वायर के लेते हैं ताकि उसका रेजिस्टेंस कम हो। खंबे पे से, पिलर पे से हमारे घर तक जो बिजली आती है, ज्यादा एनर्जी लॉस ना हो। अगर पतला वायर लेंगे तो ज्यादा हीट करेगा, एनर्जी लॉस होगा और वायर का डैमेज होने का खतरा भी रहता है, ठीक है। और घरों में हमारी वायरिंग होती है तो हम पतला वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ज्यादा लेंथ का वायर होगा, ठीक है, तो वो हम पैरेलल में लगाते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस इतना अफेक्ट नहीं करता है, वो बात की बात है, हम देखते हैं। तो यहां पर हमें दो चीजें मिली हमारी, क्या क्या, कि लेंथ रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों बातें हमें बहुत याद रखनी है। इसके बाद तीसरा है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में हम तीन टाइप के मटेरियल डिफाइन कर लेते हैं यहां पर। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टर। जैसे नाम से आप जानते हैं, कंडक्टर जिनमें करंट फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, और रेजिस्टर जिनमें करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ओके, या जिनमें ज्यादा रेजिस्टेंस अफेक्ट करता है। तो कंडक्टर हम जानते हैं जिनमें करंट फ्लो हो सकता है, यानी कि जिनमें बेस्ट, जो अच्छे होते हैं करंट फ्लो कराने के लिए, जो अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारे सिल्वर है, गोल्ड है, ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, सो कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस, ओके। इंसुलेटर्स जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर में इनका रेजिस्टेंस ज्यादा और कम क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर, हम जानते हैं जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर पहले से ही ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, और हम जानते हैं करंट जो फ्लो होता है किसी कंडक्टर के अंदर वो ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होता है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही पाए जाते हैं, जबकि इंसुलेटर के अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट कहां से फ्लो होगा? तीसरा, रेजिस्टर।
जैसे इंसुलेटर इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, या इसका हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं इनफाइनाइट होता है, इसका रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता, यानी कि इनफाइनाइट इतना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। तीसरे हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, इनका रेजिस्टेंस भी हाई होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि कम नहीं हो सकता, ठीक है, ये इतना ज्यादा हाई नहीं होता, इसके अंदर से करंट फ्लो हो सकता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस होता हाई है। जैसे कि हम नाइक्रोम वायर ले लेते हैं हीटर का, या बल्ब के अंदर जो टंगस्टन वायर होता है वो ले लेते हैं, ठीक है, तो जब इनके अंदर से करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस के इनका इतना ज्यादा होता है कि इनका वायर वो जो हमारा कंडक्टर है वो हीट करने लगता है। ओके, तो दो इक्वेशन हमारी यहां पर आई हैं, यहां पर हमारे नेचर और मेटेरियल में देखिए पहले यही है, तीसरा मैं समझा देता हूँ यहीं पर आपको, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें याद रखना है कि अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तो हमें ऐसे याद रखने हैं बस, इनका कोई हमारा यूज नहीं है अभी ज्यादा। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जितना अच्छा मटेरियल होगा, कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस उतना लो होगा, इंसुलेटर होगा तो उतना ज्यादा, इनफाइनाइट होता है रेजिस्टेंस का हाई होता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कि लेकिन ये दो पॉइंट जो हमारे हैं कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हमें एक रिलेशन प्रूव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम देखते हैं दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, और ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हम जब भी हटाते हैं तो हमारे एक कॉन्स्टेंट आता है, जैसे पिछली बार हमने हटाया था वी इज प्रोपोर्शनल टू आई तो हमारा रेजिस्टेंस एक कॉन्स्टेंट आया था, इसी तरह से हम यहाँ पर अब हटाएंगे तो हमारा एक फिर कॉन्स्टेंट आ जाएगा रो, क्या कहते हैं इसे, आर एच ओ रो, ठीक है। वैसे इसका नेम होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओके। तो हेयर रेजिस्टिविटी या रो इज ऑल्सो ए कॉन्स्टेंट, क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, ये भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आर इक्वल टू फॉर्मूला आ गया हमारे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारा किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस फाइंड के लिए फॉर्मूला होता है। अगर हमें यहाँ पर उस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है और क्रॉस सेक्शन एरिया पता है तो हम उसका रेजिस्टेंस इजिली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो नई टर्म आई है रेजिस्टिविटी, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, रेजिस्टिविटी। जैसे हमारा ये फॉर्मूला आया है इसी से मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊंगा, आर इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए, यहां से अगर मुझे रॉ निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई में इसको ले जाऊंगा आर ए, और एल जो है वो इधर जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा आर ए अपॉन एल। अब अगर मैं यहाँ पर एक कंडक्टर ऐसा ले लूँ जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो अगर मैं ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो यहां से आता है रो इक्वल्स टू आर इंटू 1/1, यानी कि रो इक्वल्स टू आर, यानी कि जो रेजिस्टिविटी है वो उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो यहां से रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन हमारी बनती है रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके, यानी रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस की इक्वल होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। देखिए डेफिनेशन इसकी लिखना बहुत ही इजी है, हमें बहुत हार्ड लगती है, ठीक है,
इतनी हार्ड नहीं है, बस हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ से रो निकालकर लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह वन वन पुट कर देना है, यानी कि जो वायर है उसकी लेंथ 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर पुट कर देना है। दोनों का हमें वैल्यू पुट करने के बाद रेजिस्टिविटी हमारी रेजिस्टेंस की इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, या इसकी यूनिट क्या होती है? पहले मैं यहां पर रेजिस्टेंस की यूनिट लिख लेता हूं, इसके साथ ही रेजिस्टिविटी की यूनिट लिख लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस भी हम पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस इक्वल हम जानते हैं आर इक्वल टू वी अपॉन आई होता है। ओके, तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी यूनिट में आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं क्या होती है, आर इक्वल टू 1 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट। ओके, और यहां से करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो इन दोनों की वैल्यू अगर मैं 1 वोल्ट और 1 एम्पियर पुट कर दी, तो यहां से जो 1 वोल्ट और 1 एम्पियर इसका रेशियो हमारा क्या कहलाता है, ओवरऑल ओम। ठीक है, तो इसको मैं यहां पे लिख दूंगा 1 ओम, यानी 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस की यूनिट को हम वोल्ट पर एम्पियर कह सकते हैं या फिर शॉर्ट में ओम कह सकते हैं। तो वन, कभी कभी 1 ओम की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो 1 ओम की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर देन करंट फ्लोइंग इन दैट कंडक्टर इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 1 ओम। सो हेयर वी विल राइट 1 ओम डेफिनेशन, व्हेन वन वोल्ट पीडी इज अप्लाइड, पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर एंड करंट इन दैट कंडक्टर इज 1 ओम देन द रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर देन द रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओके, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है हमारी यहां पर, तो फॉर्मूले से हमें यूनिट बनाना, मैंने पहले ही बताया था आपको फॉर्मूले से हमें यूनिट बनाना आसान रहता है, तो हम जानते हैं यहां से ये फॉर्मूला रॉ इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, इसमें हर एक क्वांटिटी की यूनिट रख दीजिएगा। अभी मैंने आपको रेजिस्टेंस की यूनिट बताई है कितनी होती है ओम, ओम का सिंबल हमारा ये होता है, यहां लिख लेते हैं ओम का सिंबल हमारा ये है। ओके, तो वो सिंबल हम यहाँ पर बना सकते हैं, चलो आगे बना लेंगे ओम, और यहाँ पर मीटर की यूनिट हमारी क्या होती है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट सॉरी, और लेंथ की यूनिट होती है हमारी मीटर, तो यहाँ मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, ये बचा हमारा ओम, ओम का सिंबल बना लेते हैं यहाँ पर, ये सिंबल होता है याद रखना जरूरी है ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की हमारी यूनिट क्या है, ओम मीटर। आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली वीडियो में हम आपके लिए और लेकर आएंगे वीडियोस, मतलब और पॉइंट्स लेकर आएंगे जिसमें हमारे फैक्टर्स अफेक्टिव होंगे, जो रेजिस्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और आगे और भी टॉपिक होंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स।